एक रुपया है कम, हम खुदा की कसम बड़ी मेहनत से रोटी कमाते हैं, गाड़ी में उछल उछल के हम आते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। एक रुपया है कम, हमें खुदा की कसम बड़ी मेहनत से रोटी कमाते हैं, गाड़ी में उछल उछल के आते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लेकिन गाने के असली बोल में गाड़ी में उछल उछल के आते तो है ही नहीं, पर ये जनाब बोल को तोड़ मरोड़ के गा रहे हैं। पर क्यों? बड़ी मेहनत से रोटी कमाते हैं, गाड़ी में उछल उछल के हम आते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ये हैं गायक शब्बीर कुमार, और इन्होंने ही अमिताभ बच्चन की फिल्म कूली में इस गाने में अपनी आवाज़ दी है। शब्बीर कुमार विक्रमशिला महोत्सव में भाग लेने भागलपुर पहुंचे। पटना से भागलपुर जाने के दौरान उनका अनुभव बेहद खराब रहा। सड़कों की बदतर हालत ने उन्हें कड़वा अनुभव दिया, जिसको उन्होंने अपने गाने में जगह दे दी। गाड़ी में उछल उछल के हम आते हैं, शहर की खराब सड़कों पर यह गाना ऐसे गाया जैसे लगा कि शब्बीर कुमार सड़कों की खराब स्थिति को गाने के माध्यम से लोगों तक और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। चलिए हम आपको सड़क की थोड़ी सैर करा दें, जिसने आइकॉनिक गाने के बोल बदल दिए। इसे सड़क कहेंगे या कुछ और, ये आप तय कीजिए, लेकिन इसे सड़क कहना बाकी सड़कों की बेइज्जती होगी। हर तरफ धूल का अंबार और मिट्टी के बने इस पगडंडी पर गाड़ी तो छोड़िए, कोई पैदल भी नहीं चल सकता। व्यवस्था रोड का कैपेसिटी है कम, टन का ओवरलोड गाड़ी जाती है, सब उसमें मिला जुला है, तो क्या कहेंगे? खराब हो जाती है गाड़ी। हाँ, गाड़ी खराब होती है, ओवरलोड जब जाएगा, इसका कैपेसिटी है 20 टन का, इसमें जाएगा 40 टन, तो क्या गति होगा रोड का? और आज तक कभी बना ही नहीं है। सांसद महोदय आपके क्षेत्र के हैं? सांसद महोदय का मुश्किल तो यहाँ से 8-10 किलोमीटर घर हो गए, अजय मंडल। उनसे कभी आप लोगों ने शिकायत किया है? शिकायत उनको करने की बात है, थोड़े ऊपरे ऊपर फ्लाइट से अपने घर पर उतरते हैं, जाना तो इधर से है, आना है, उसको शिकायत क्या उनको दिखाई नहीं पड़ती है? मैं जाऊ जाते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में या एसी गाड़ी में, हिलता है कि गाड़ी हलता है कि नहीं, बोली। अब शिकायत तो उसको किया जाए जिसको नहीं दिखाई पड़े तो बात अलग है, डेली उनको जाना है, इधर से जाएंगे क्षेत्र भागलपुर उनका कार्यस्थल है। कब से आप देख रहे हैं इस रोड का ये हालत? हम लोग तो कह रहे हैं कि जब से हम लोग का पैदा हुआ है सर, तब से यही रोड है। सड़क को लेकर सवाल तो कई हैं, पर जरा अब सांसद जी क्या कहते हैं ये सुनिए। NH बदहाल है, उसके लिए सारा फंड आ चुका है, टेंडर हो चुका है, उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। रोड है तो खराब होगा ही, खराब हुआ है तो बनेगा ही। कारण क्या है? लेकिन आज तक बना नहीं है ढंग से। देखिए ढंग से नहीं बना, कुछ मानक दंड से हम लोग बैठक किए डीएम साहब के साथ, काफ़ी उस पर सघन अभियान चलाया जा रहा है, जो मानक दंड से ज़्यादा लोडिंग ओवरलोडिंग लेकर के गाड़ी चल रहे हैं। हमारे जिला अधिकारी एवं परिवहन पदाधिकारी का कड़ा रुख है, और अब तो बहुत कंट्रोल हो रहा है धीरे धीरे। आज से 10 दिन पहले की जो समस्या था उसमें कंट्रोल हो रहा है, ओवरलोडिंग गाड़ी चल रहा है, कम चल रहा है, अगर वो मानक दंड से कम बराबर आ जाएगा तो यकीनन रोड। खराब सड़कों की वजह से सरकार को कई बार हाईकोर्ट से फटकार लग चुकी है, और अब तो बाहर से आए कलाकार भी सड़कों को लेकर बोलने लगे हैं। ऐसे में सरकार कब इस मुद्दे पर ध्यान देगी, ये देखने वाली बात है। भागलपुर से सिद्धार्थ राहुल के साथ बिहार तक ब्यूरो।